मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज फिफ्थ डे ऑफ आवर ट्रिप। अभी भी हम लोग धर्मकोट में ही हैं। कल अपना प्लान ये था कि धर्मकोट से निकल करके नीचे जाएंगे नड्डी की तरफ, क्योंकि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, एक रात पहले से ही बारिश हो रही थी। तो अपन ने सोचा कि वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं, मिस्टी हो रहा होगा, कुछ व्यू नहीं देख पाएगा। आज सुबह उठे 5:30 बजे तो नज़ारा बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा क्लियर था। अब देखिए कैसा सीन है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, बट आई थिंक आज जाना चाहिए अपने को। अगर आज नहीं गए फिर तो यार ये तो मौसम यहाँ अक्सर रोज़ ही रहता है। टुडे वी बोथ डिसाइडेड कि चलो आज चलते ही हैं नड्डी। कोई नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे। टाइम हो रहा है सुबह के 8:09 हो रहे हैं। लाइक एवरी अदर डे अपन बालकनी में आ गए हैं, कुछ स्नैक्स वूक्स खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। अभी एक घंटे के अंदर उठेंगे, खाएंगे धोएंगे, निकलेंगे, फिर बाइक के पास जाएंगे, उसके पहले नाश्ता करेंगे वही अपनी पेट जगह पे जहाँ हर बार करते हैं। डल लेक, यहाँ विजिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ड्रोन उड़ाने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तुम कुछ कहना चाहोगी इस बारे में? दलदल में बनी हुई है, पानी भर गया उस लेक नाम दे दिया, इसीलिए इसे डल लेक कहते हैं क्या? I don't know, but कुछ भी नहीं है। व्यू थोड़ा बेटर है बट हमें दिख नहीं पा रहा, जस्ट बिकॉज मिस्ट है, फॉग है, जो भी कहो इसको। थोड़ा व्यू अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट वो हम देख नहीं पा रहे। तो बस गाइज, दिस इज़ द डल लेक, हिमाचल की डल लेक, मैक्लोडगंज की डल लेक, नड्डी की डल लेक। पूछते हैं यहाँ किसी से, कोई मंदिर वंदिर है क्या? तो मैंने क्योंकि सुना है लेक वाले रास्ते से बगल से निकल के कोई मंदिर है यहाँ। वैसे ड्रोन उड़ाते तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू आता है। तुम्हें दिखता भी नहीं, फिर गालियाँ देते कल की तरह रोज आते। नड्डी वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी अच्छा यहाँ नज़ारा दिखा नहीं। उधर चिंतपूर्णी माता का मंदिर है छोटा सा। अब ये ओरिजिनल मंदिर है कि क्या है, वी डोंट नो, ओरिजिनल नहीं है। खैर जो भी हो, अब यहाँ से अपन जा रहे हैं किधर, अब धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं। हाँ, बाइक में पेट्रोल खत्म है, धर्मशाला जा रहे हैं। बाइक में पहले रिफिल कराएंगे, हो सकता है डायरेक्ट रूम पे चले जाएँ, क्योंकि बारिश हो रही है, कुछ भी करने को है नहीं। जो भी व्यूज़ हैं सब बादलों और मिस्ट के कारण सब धुंधला पड़ गया है, तो देखने लायक कुछ भी नहीं है। चलते चलते थोड़ा सा क्लियर व्यू आ गया है इधर डल लेक नड्डी का, लेकिन अब बाइक पे बैठ गए हैं, सेटल हो गए हैं, उतरेंगे नहीं। मैंने सोचा एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा कैसा है। तो यहाँ कपड़े ऐसे सुखाए जा रहे हैं आयरन करके, क्या करें यार, बाहर इतना बारिश का मौसम है तो बाहर तो कपड़े कुछ सूख ही नहीं सकते। मैं भी हेल्प करा रहा था लेकिन मैडम करने नहीं दे रही हैं हेल्प। मैं खुद करूंगी। तुम चिल मारो, मैं करूंगी। A few inches later. तो we have Swiss dark places. अब मेरी टर्न है करने की, क्योंकि एक साथ करते करते यार कमर दुख जाती है, यहाँ कोई आयरन टेबल तो है नहीं। आई थॉट कि चलो मैं थोड़ी देर टेक ओवर कर लेता हूँ, मिल बांट के काम करना चाहिए। पंडित जी ने भी यही कहा था ना, है ना? ऐसा कुछ बोला था? बोला था, आई डोंट नो, बट फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, मिल बांट के काम करना तो अच्छी बात है, इससे काम जल्दी होता है। वैसे तो ये जूते वाटरप्रूफ हैं, लेकिन एक्चुअली आज रेनकोट जब मैंने पहना था उसका लोअर, वो लोअर थोड़ा सा ऊपर सरक आया था बाइक पे बैठने की वजह से, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और इस वजह से मेरे स्टॉकिंग्स गीले हुए, और जब स्टॉकिंग्स गीले हुए तो उसके चक्कर में नीचे पानी चला गया इन जूतों में, तो हेयर ड्रायर मार के इन्हें भी मैं सुखा दे रहा हूँ ताकि कल के लिए ये रेडी टू यूज़ हो जाए। नाउ लाइक एवरी अदर डे हमारी शाम बीतेगी अपनी बालकनी में। आज इस वक्त तो क्लियर दिख रहा है, बट यहाँ कुछ कह नहीं सकते, कब क्या बादल आ जाएँ, पूरा व्यू छुप जाए, नथिंग कैन बी सेड पहले से। दो दिन है अभी और,
आज की शाम यहाँ पे हैं, कल पूरे दिन और कल की शाम यहाँ पे हैं, अपन परसों निकलेंगे। आज अपनी जो रोड ट्रिप हुई छोटी सी नड्डी तक की, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिले हमें उसमें, और मैडम को भी बहुत मज़ा आया, मुझे भी राइड करने में मज़ा आया। हालांकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, ऑलमोस्ट यहाँ से 6-7 किलोमीटर रहा होगा नड्डी अपने धर्मकोट से। तो यस गाइज, आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं क्योंकि अब शाम हो गई है, अपने यूजुअल स्पॉट पे हम लोग आ गए हैं। और ये ग्लासेस शिल्पी मैडम ने मेरे को दी हैं कि भैया इसको पहनो आज, हर बार वही अपने नॉर्मल वाले पहन लेते हो, आज इसको ट्राई करके देखो कैसा आ रहा है। उसने बोला अच्छा लुक आ रहा है, तो आई सेड ओके लेट्स ट्राई इट, तुम्हें पसंद है तो मेरे को भी पसंद आएगा। ये जो व्यू है ना, ये एक एपिक ही व्यू है, इसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हम लोग वापस जाने पे। अभी से वापस जाने की बात नहीं करते हैं, अभी दो शामें हैं अपने पास, फुल एंजॉय करेंगे जो भी दिन है। अभी तक तो कोई भी प्लान नहीं है कि कल का दिन कैसे स्पेंड करेंगे, जैसे भी होगा बताते रहेंगे। आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, होप आप लोग को पसंद आया होगा, ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी अभी तक की भी, और आगे भी दो एपिसोड जो आने वाले हैं वहाँ की भी। सो टिल देन एंजॉय, टेक केयर, लिव टुडे एंड लव टुमारो, सी यू गाइस, बाय।